Now inviting the Honorable Minister for Communications, Railways, Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnavji, for his address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन्स श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए, और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बनके उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर है जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा, नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवीय तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी BSNL के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है, और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। बहुत बहुत